हेलो गाइस, वेलकम गाइस, दिस इज जुनेद। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड मोस्ट वेलकम टू अनदर ब्लॉग। सो गाइस, अभी बज रहे हैं सुबह के 5। मैंने तो मुंह भी नहीं धोया रंग से, मुझे नींद आ रही थी, मैं तो सो ही रहा था। पापा ने उठा दिया, बोले चल आम लेने जाना है। तो अभी हम जा रहे हैं आम लेने बाजार, स्पेशल जे भाई के लिए मैं आम लेके जा रहा हूँ, जिधर मैं काम करता हूँ उनके लिए। उन्होंने मुझसे बहुत बार बोल दिया, तो उनके लिए मैं आम लेने जा रहा हूँ बाजार। अभी हल्की हल्की बारिश भी हो रही है, देखो भीग ना जाऊँ, बस भीग तो गया हूँ इतना। तो चलो आम लेने चलते हैं। आज लास्ट डे गाँव में हमारा, कल की हमारी ट्रेन है, तो हम कल ट्रेन में चढ़ जाएंगे। तो आज लास्ट दिन आम ले रहे हैं, क्योंकि अगर हम पहले से आम ले लेते तो आम ख़राब हो जाते। और कोशिश करेंगे मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कच्चे आम लेने की, ताकि वो दिल्ली तक जाने में ठीक रहें, और फिर एक दो दिन बाद वो पक जाएंगे तो और बढ़िया हो जाएंगे। लेकिन पक्के नहीं लेंगे, पक्के ख़राब हो सकते रास्ते में ही, तो पक्कों को ज़्यादा ज़्यादा अवॉइड करेंगे हम, देखेंगे कच्चे में। सो गाइस, बारिश हो गई तेज, इसलिए मैं आके बैठ गया हूँ यहाँ पर दुकान के पास। बारिश रुकने का इंतज़ार कर रहे हैं, अब बारिश रुके तो मैं आगे जाऊँ। पापा तो बाजार में ही, अब बारिश कब रुकेगी देखते हैं। An hour later. आज तो बारिश ने बहुत अच्छी तरह से ले ली, यहाँ पे करीब मैं 1 घंटे से बैठा हुआ हूँ, लेकिन बारिश अभी तक नहीं रुकी। इसका यार हंस रहा है, गाइस मना कर दो, अब तो यहाँ पे छोटी गंगा भी बन गई, अब क्या बाढ़ लाओगे। जिसका भी यार हंस रहा है, प्लीज अपने यार को मना कर दो, हंसना बंद कर दे। Two hours later. Three hours later. Can you move it along? I'm all out of time cards. वैसे मेरा बारिश में भीगने का मन नहीं करता, और आज तो बारिश में हैंडी कर दी, मैं भीग भी गया हूँ, पता नहीं क्यों निकला था घर से। गाइस बारिश तो रुक गई है, तो चलो चलते हैं। आज तो मेरे साथ हो गया स्कैम, बहुत गंदा वाला कटा है। मतलब मैं सुबह 5 बजे उठा, सोया भी नहीं, नींद खराब हुई, आम लेने आया, बारिश हो गई, 1.5 घंटा बैठा रहा। बैठने के बाद आम लेने जा रहा हूँ तो पापा नहीं मिले, मतलब अब वापसी घर जाना पड़ेगा, पूरी तरह से कट गया, अब वापसी घर जाओ। मैं सोच रहा था सोऊंगा, बारिश ने मेरी नींद की तो धज्जे उड़ाई है, मैं सोने वाला तो हूँ नहीं। चलो अब घर चलते हैं। तो गाइस, ये है हमारी गाँव की छोटी गंगा, झूठ बोल रहा है, जो 100-150 साल पुरानी तो बिल्कुल नहीं है, प्राचीन तो है ही नहीं, ये बिल्कुल न्यूली ओपन हुई है, अभी 1-1.5 घंटा पहले बनी है ये। अब इसको पार करके जाना पड़ रहा है, पूरा कट गया, स्कैम हो गया, बहुत गंदा, ना आम लिए ना कुछ, खाली हाथ घर जाना पड़ रहा है, वो भी छोटी गंगा का सफ़र करके। साला छोटी गंगा बोल के नाले में कूदा दे। मेरी भी कम हालत ख़राब नहीं हुई है, मैंने भीगना तो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करा था, लेकिन मैं भीग गया। फिर भी पूरा स्कैम हो गया आज, बहुत गंदा वाला, अब घर वापस जाना है खाली हाथ। भीग भी गए, 1.5-2 घंटा ख़राब हो गया, नींद भी ख़राब हो गई। सो गाइज, आम तो मिल गए, आम रखे हैं घर पे, लेकिन अब आम के लिए हम कार्टून लेने जा रहे हैं, गत्ता डब्बा लेने जा रहे हैं, इसमें आम रखे जाएंगे पेटी, तो वो लेने हम आए हैं। अब वो पेटी मिल जाए तो पेटी का ढूंढ रहे हैं कहाँ पे मिलेगी, अभी तक तो मिली नहीं, 5-6 दुकानें देख ली, दिखे हैं एक जगह,
ये देखो सामने रखे हैं मेरे दुकान पे, अभी अंकल से पूछेंगे देंगे नहीं देंगे। गाइस कार्टून तो ले लिया, यही बाइक लेने गए हैं, बाइक लेके आएंगे फिर हम जाएंगे घर पे। सर इन दो के चक्कर में मैं 2 घंटे बारिश में बीतता रहा और अब इनकी पैकिंग हो रही है डब्बे में। इस पूरे दिन थक थक आके कट कट आके स्कैम होके इतने आखिरकार आराम मिल गए, हम पैक भी हो गए। सो अब यहाँ पे होता है ब्लॉग का एंड। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, अलविदा, टेक केयर।